मैन्युफैक्चरिंग तो कल ही मुकम्मल हो गई थी, अब बस पैकिंग चल रही है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके गुड। भाईजन कल रात में, रात वाली बात पे मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। बॉस हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? क्या सोच रही हैं आप? क्या हुआ? क्या आपको मेरा पूछना बुरा लगा? इतना कुछ हो गया हमारे दरमियान, तुम पूछ रही हो कि मुझे बुरा लगा? नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। तुम मेरी जान लेने के दर पे हो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं जज्बाती हो रही हूँ? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की आंटी। हाँ, सोचा जरूर था, लेकिन अब सोचने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती ना। कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं उड़ रही तुम? अपने परों पर भरोसे के साथ मुझे वकार के साथ पर भी बहुत भरोसा है। वकार मेरा बेटा है, तुम्हारी बातों की वजह से बदगुमान हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जब उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी तो वो सही हो जाएगा। वो कैसे? जब तुम्हारी असलियत उस पर खुलेगी। ऐसे? और मेरी असलियत कैसे खुलेगी आंटी? क्योंकि मैं खुद को जिस पर जाहिर करना चाहूं सिर्फ उसी पर जाहिर होती हूं। आपको तो मेरे अंदाज के बारे में अच्छे से मालूम है, कितना अरसा मैंने आपको इस धोखे में रखा और आप मेरी हर बात मानती रही हैं। कितना अफसोस होता है मुझे अपने ऊपर, कितना अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूं इस घर में। अब क्या हो सकता है आंटी? वो कहावत है ना आंटी, अब पछताए तो क्या हूं जब चुड़िया चुग गई खेत।